दोस्तों अगले महीने से भारत में अब सिर्फ BF6 इंजन वाली कार से बिका करेंगे। इंडिया में 1 अप्रैल 2020 के बाद से जिस भी कार में BF4 इंजन होगा उसे गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करेगी। तो ऐसे में पेट्रोल इंजन का तो ठीक है, लेकिन BF4 डीजल इंजन को BF6 में अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है और इंडिया में डीजल इंजन की डिमांड भी कम हो रही है, जिसके चलते इंडिया में ज्यादातर कंपनियों ने अपने डीजल इंजन को बनाना ही बंद कर दिया है। 1 अप्रैल के बाद से मारुति सुजुकी और रेनॉल्ट जैसे कार मेकर्स कंपनियां अपनी आने वाली सभी गाड़ियों में से डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर देगी और ये कार मेकर कंपनियां आने वाले अपने सभी मॉडल्स को पेट्रोल इंजन में ही ऑफर करेगी। हालांकि इंडिया में कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स अभी भी हैं जिन्होंने अपनी पुरानी डीजल कार्स को BS6 में अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम इंडिया में मिलने वाली टॉप 6 डीजल SUV कार्स को कवर करेंगे जो कि आपको BS6 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में हमने इन गाड़ियों की कीमत, इंजन डिटेल्स और बाकी डिटेल्स को भी कवर किया है। तो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों पिछले ही साल किया मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी पहली SUV कार किया सेल्टोस के साथ मार्केट में एंट्री की थी और लॉन्च के बाद से किया सेल्टोस ने इतनी स्पीड पकड़ी कि इस टाइम ये कार इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है। किया सेल्टोस में किया मोटर्स मेनली 3 इंजन ऑप्शन ऑफर करती है जिसमें से 2 पेट्रोल इंजन है और 1 डीजल इंजन है। बात डीजल कार्स की हो रही है तो किया सेल्टोस में कंपनी डीजल इंजन के ऑप्शन में 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि 115 पास्कल की पावर और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। किया सेल्टोस में शानदार डिजाइन एंड लुक के साथ साथ इंटीरियर में भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स का पैकेज मिल जाता है। किया सेल्टोस में 10.25 इंच की टच स्क्रीन फ्रंट सिस्टम, किया का UVO कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एयर प्योरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, 8 इंच की हेड्स अप डिस्प्ले, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, 8 स्पीकर बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रिक पैनोरामिक सनरूफ जैसे और भी कई सारे कंफर्ट एगनोमिक्स के फीचर किया सेल्टोस में मिलते हैं जो कि इस कार के मेन हाइलाइट्स हैं। इंडिया में किया सेल्टोस के डीजल वेरिएंट की शुरुआती शुरू कीमत करीब 10,40,000 रुपये के आसपास से शुरू होकर 17 लाख रुपये के आसपास तक जाती है। लिस्ट में अगली कार है हुंडई वेन्यू। हुंडई वेन्यू एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV कार है और इंडिया में इस कार के मेन राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर विटारा ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन जैसी कार्स हैं। हुंडई वेन्यू में कंपनी 1.4 लीटर का BF4 डीजल इंजन ऑफर किया करती थी, लेकिन इस इंजन को डिसकंटिन्यू करके अभी कंपनी किया सेल्टोस की तरह इस कार में 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर करती है। ये इंजन तो किया सेल्टोस से ही लिया गया है, लेकिन ये इंजन सेल्टोस से कम पावर जनरेट करता है क्योंकि इसे डीट्यून किया गया है। हुंडई वेन्यू का ये इंजन डीट्यून किए होने की वजह से 115 पास्कल की बजाय 100 पास्कल की पावर ही जनरेट करता है और 220 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन इंडिया में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही मिलता है। वेन्यू में कम कीमत में कई सारे प्रीमियम फीचर्स का पैकेज मिल जाता है जैसे कि सिम कार्ड कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी, 8 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट और सनरूफ जैसे फीचर्स हुंडई वेन्यू में मिल जाते हैं जो कि इस कार के मेन हाइलाइट्स हैं। इंडिया में हुंडई वेन्यू के डीजल वेरिएंट की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 8 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 11 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। अगले नंबर पर है जीप कंपास। जीप कंपास ने हाल ही में इंडिया में अपने जीप कंपास ट्रायल हॉक को BS6 डीजल इंजन के साथ हाल ही में अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च किया है। इस कार को खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी इस कार में 2.0 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन ऑफर करती है जो कि 173 पास्कल की पावर और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन बेस वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मिलता है, तो वहीं टॉप वेरिएंट में आपको इस इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल जाता है। इंडिया में जीप कंपास के डीजल वेरिएंट की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 70 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर करीब करीब 27 लाख रुपए के आसपास तक जाती है और ऑफ रोडिंग के लिए ये कार काफ़ी शानदार कार है। अगले नंबर पर है टाटा हैरियर। दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम 5 सीटर SUV कार टाटा हैरियर को भी रिसेंटली BF6 डीजल इंजन के साथ अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च किया है। टाटा हैरियर में कंपनी 2.0 लीटर का क्रायोटेक 170 ब्रांड का डीजल इंजन ऑफर करती है। ये इंजन 170 पास्कल की पावर और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टाटा हैरियर का ये नया इंजन BF4 इंजन से ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। टाटा हैरियर भी इंडिया में मिलने वाली सुरक्षित और अच्छे प्लेटफॉर्म पर बनी कार है और साथ ही में इस कार में आपको प्रीमियम लुक के साथ साथ प्रीमियम इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स का पैकेज मिल जाता है। इंडिया में टाटा हैरियर के डीजल वेरिएंट की शुरुआती शोरूम कीमत करीब 13,70,000 रुपये के आसपास से शुरू होकर 20 लाख रुपये के आसपास तक जाती है। लिस्ट में अगले नंबर पर है फोर्ड इकोस्पोर्ट। दोस्तों फोर्ड मोटर ने भी अपनी इकोस्पोर्ट को हाल ही में डीजल इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में लॉन्च किया है।
फोर्ड इको स्पोर्ट भी इंडिया में एंटी लेवल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। कंपनी ने अपनी इस कार में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर किया है, जो कि 100 पास्कल की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मार्केट में मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन इस कार में भी आपको नहीं मिलता है। लगभग इंडिया में किसी भी एंट्री लेवल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में आपको डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इंडिया में फोर्ड इको स्पोर्ट भी शानदार डिजाइन एंड लुक के बाद इंटीरियर में कई सारे प्रीमियम फीचर्स के पैकेज के साथ आ जाती है, और इस कार के डीजल वेरिएंट की इंडिया में शुरुआती शोरूम कीमत करीब 8,60,000 रुपए के आसपास से शुरू होकर 11,70,000 रुपए के आसपास तक जाती है। लिस्ट में 6th पोजीशन पर है हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई क्रेटा। दोस्तों हुंडई क्रेटा में भी किया फेल्टोस की तरह कंपनी ने 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया है। ये कार डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मार्केट में मिल जाती है। कुल मिलाकर ये इंजन पूरा का पूरा किया फेल्टोस से ही लिया गया है, लेकिन इस कार का डिजाइन एंड लुक और इंटीरियर किया फेल्टोस से काफी हद तक अलग है। तो दोस्तों ये थी वो इंडिया में मिलने वाली 6 एसयूवी कार जिनमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपकी फेवरेट कार कौन सी है कमेंट करके बताएं, और अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।